पूर्णिया नगर निगम की महापौर विभा कुमारी के नेतृत्व में नगर निगम की पूरी टीम ने शहर के विभिन्न पूजा पंडालों में पहुंचकर निरीक्षण किया तथा दिशा निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान महापौर ने नगर निगम द्वारा सड़कों के मोटरेबल कार्य को युद्ध स्तर पर पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने शहर में विभिन्न जगहों पर जाम नालों की साफ सफाई का भी निर्देश संबंधित एजेंसियों को दिया। महापौर ने बताया कि 2 अक्टूबर को जिस 15 दिवसीय स्वच्छता अभियान का समापन हो गया था, उसे नगर विकास विभाग के आदेश से छठ पूजा तक विस्तारित कर दिया गया है। इस अभियान के तहत पूजा पंडालों में नगर निगम द्वारा स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता से संबंधित बैनर पोस्टर लगाया जाएगा ताकि पूजा पंडालों के माध्यम से लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा सके। उन्होंने कहा कि जिन पूजा पंडालों में साफ सफाई एवं विधि व्यवस्था सबसे अच्छी रहेगी उनको नगद पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। महापौर विभा कुमारी ने सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति खुक्सीबाग हाट, लाइन बाजार दुर्गा पूजा समिति शिव मंदिर, रजनी चौक दुर्गा पूजा समिति, माधोपारा दुर्गा पूजा समिति, ठाकुरबाड़ी दुर्गा पूजा समिति, भट्टा दुर्गाबाड़ी, मरंगा दुर्गा मंदिर, सिपाही टोला सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति, मधुबनी दुर्गा मंदिर सहित विभिन्न पूजा पंडालों में पहुंचकर निरीक्षण किया। महापौर विभा कुमारी ने पूजा कमेटी के सदस्यों से विधि व्यवस्था की जानकारी भी ली। महापौर ने कहा कि दशहरा पूजा एवं मेला के दौरान पूजा पंडालों में स्वच्छता ही सेवा अभियान स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता की थीम इस साल देखने को मिलेगी। सभी पूजा समिति इस अभियान के तहत व्यवस्था को बनाए रखेंगे जिसमें नगर निगम आपका पूरा सहयोग करेगा। उन्होंने कहा कि पूजा पंडालों को पुरस्कृत होने के लिए रखना होगा कुछ बातों का ध्यान, जैसे पूजा पंडालों की संपूर्ण स्वच्छता एवं साफ सफाई, अवशिष्ट का उचित प्रबंधन, महिला एवं पुरुष शौचालय की व्यवस्था, डस्टबिन की उपलब्धता, दर्शनार्थी महिला एवं पुरुष हेतु अलग अलग लाइन की व्यवस्था, सुरक्षा और लाइट की पर्याप्त व्यवस्था, स्वच्छ स्थान पर फूड स्टॉल एवं पीने का पानी की व्यवस्था, गंदे पानी के निकासी की व्यवस्था, मेला स्थल पर सैनिटरी नैपकिन एवं हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था, स्थानीय नागरिकों संगठनों के साथ मिलकर स्वच्छता के लिए रचनात्मक कार्य करना, स्लोगन पोस्टर मीडिया कवरेज आदि के माध्यम से प्रचारित करना। महापौर विभा कुमारी ने पूजा समिति के सदस्यों को आश्वस्त कराते हुए कहा कि नगर निगम पूजा के दौरान आप लोगों की सहायता के लिए तत्पर रहेगा। पूजा पंडालों में साफ सफाई फॉगिंग आदि नगर निगम के द्वारा दिन रात किया जाएगा। इसके अलावा जहां भी जरूरत होगी वहां रोशनी पेयजल शौचालय आदि की व्यवस्था भी नगर निगम द्वारा की जाएगी। उन्होंने समिति के सदस्यों से कहा कि कहीं किसी प्रकार की समस्या आती है तो तत्काल इसकी सूचना मुझे दें। उन्होंने नगरवासियों से शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में दुर्गा पूजा मनाने की अपील की। वहीं नगर भ्रमण के दौरान महापौर विभा कुमारी एवं जितेंद्र यादव ने भट्टा दुर्गाबाड़ी में भट्टा दुर्गाबाड़ी महिला समिति द्वारा संचालित कक्षा 1 से 6 तक प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण किया। महापौर ने स्कूल की संचालन करने वाली महिलाओं की तारीफ करते हुए कहा कि सामाजिक सरोकार का इससे बेहतर उदाहरण और कोई नहीं हो सकता। स्कूल संचालन से जुड़ी महिलाओं की उन्होंने हौसला अफजाई की। इस दौरान महिलाओं ने महापौर से नगर निगम द्वारा विद्यालय के विकास की मांग की। महापौर ने कहा कि फंड आने के बाद विद्यालय का विकास किया जाएगा। वहीं मौके पर मौजूद समाजसेवी जितेंद्र यादव ने समिति की महिलाओं को आश्वस्त कराते हुए अपने निजी मद से विद्यालय में टाइल्स लगवाने के साथ साथ शौचालय निर्माण का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि जल्द ही विद्यालय में टाइल्स लगाने के साथ साथ शौचालय का भी निर्माण कराया जाएगा। पूर्णिया शहर में जितने जगह पे दुर्गा पूजा का पंडाल लगाया जाता है और जहाँ जहाँ पे ये दुर्गा माँ की मूर्ति की स्थापना की जाती है वहाँ हम लोग अभी आज 2रा पूजा है। हम लोग हर जगह पे और जहाँ जहाँ पूजा पंडाल है वहाँ पे जाकर के उसका निरीक्षण किए हैं और देखे हैं कि जहाँ जहाँ पूजा हो रहा है वहाँ पे यदि रोड खराब है तो उस रोड को मोटरेबल कराया जा रहा है और जहाँ गड्ढा है या पानी है वहाँ का पानी निकाला जा रहा है। और भी देखे हैं कई जगहों पे जहाँ अभी हम लोग लाइन बाज़ार से मंदिर चौक के पास आए हैं तो वहाँ पे नाला पूरा जाम था। वहाँ पे नगर निगम से लेबर जेसीबी लगवा करके नाला का जो है साफ़ सफाई और उसका गाड़ी निकलवाने का काम कर रहे हैं। और जहाँ पे जो भी पूजा पंडाल है वहाँ पे साफ़ सफाई मतलब होना बहुत ज़रूरी है। और नगर विकास से एक पत्र भी आया है कि
जो पूजा पंडाल है और जहाँ पे साफ सुथरा एकदम अच्छे ढंग से होगा, जहाँ पे महिला को दर्शन करने के लिए अलग लाइन होगा, पुरुष को दर्शन करने के लिए अलग लाइन की व्यवस्था, या नागरिक सुरक्षा की व्यवस्था, डस्टबिन की व्यवस्था, अपशिष्ट पदार्थ हो गया उसको एक जगह रखने की व्यवस्था, तो इन तमाम तरह की जहाँ पे सुविधा उपलब्ध होगी वैसे पूजा पंडाल को नगर निगम से 10,000 रुपये का प्राइज दिया जाएगा और जो फर्स्ट करेगा, और जो सेकेंड करेगा उसको 5,000, और जो थर्ड करेगा उसको 3,000 का प्राइज नगर निगम के द्वारा दिया जाएगा। और हर पूजा पंडाल में डस्टबिन होना बहुत ज़रूरी है, और हर हम लोग निर्देश भी दिए हैं कि हर जहाँ जहाँ पूजा पंडाल है वहाँ पे डस्टबिन लगाई जाए साफ सुथरा। फर्स्ट सेकंड थर्ड को चिन्हित कौन करेंगे कि हाँ ये यहाँ बेहतर है? यहाँ पे उपनगर आयुक्त बैठे हुए हैं, हम लोग हैं, सभी लोग मिल करके चिन्हित करेंगे, यहाँ के शहर के लोग हैं, जहाँ का जो अच्छा होगा पूजा पंडाल तो उसको प्राइज दिया जाएगा। शरदीय नवरात्र का शुभारम्भ कल से हुआ है, इसको देखते हुए माननीय महापौर के निर्देशानुसार हम लोग शहर में माननीय महापौर भी हैं साथ में और जितेंद्र जी समाज से भी सब लोग नगर निगम की टीम के साथ में हम लोग घूम रहे हैं, प्रत्येक पूजा पंडाल का निरीक्षण कर रहे हैं। जहां भी सड़क मोटरेबल करने की आवश्यकता है वहां पर सड़क को मोटरेबल किया जा रहा है, जहां पर विशेष साफ़ सफाई करवाने की आवश्यकता है वहाँ विशेष साफ सफाई कराने का निर्देश सफाई सभा को दिया जा चुका है। और विशेष अनुरोध है पूजा पंडाल के जितने भी अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, माननीय लोग हैं, उन लोगों से कि पूजा पंडाल में जो अपशिष्ट प्रबंधन हो उसमें हम लोग का सहयोग प्रदान करें। हम लोग डस्टबिन का वितरण करवाएंगे और फूल का अलग से रखने का व्यवस्था करवाया जाएगा उसका, ताकि अपशिष्ट उसका कुछ आगे बायोडिग्रेड करके कुछ उसको बनाया जा सके। और माननीय महापौर का जो आगे निर्देश होगा हम लोग उसको फॉलो करेंगे, माननीय नगर आयुक्त सर का निर्देशानुसार हम लोग आगे जो भी साफ सफाई का काम होगा पूजा पंडाल में और भी जो व्यवस्था करना होगा उसको आगे हम लोग जारी रखेंगे। हाँ, अभी हमारी नगर निगम की महापौर सहित उपनगर आयुक्त हैं, इंजीनियर हैं, पूरी नगर निगम के जितने वार्ड पार्षद हमारे हैं सभी लोग के साथ हमको भी मौका मिला है, तो हम भी देख रहे हैं काफ़ी अच्छी तैयारी है। जहाँ भी जो पहुँच पथ है मंदिर जाने का वहाँ मोटरेबल शुरू कर दिया गया। अभी आप देखे हैं यहाँ पे, हम लोग अभी देखे हैं, मैडम निरीक्षण कर रही थी उपनगर आयुक्त सर से, और सारे लोग इंजीनियर से लेकर के हमारे सभी माननीय वार्ड पार्षद लोग लगे हुए हैं कि बेहतरीन से बेहतरीन लोगों को सुविधा मिल सके, साफ़ सफाई की अच्छी व्यवस्था मिल सके। हमने सुन रहा था, अभी आप लोगों को बाइट दे रही थी माननीय महापौर की, जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड यहाँ तीन चुनाव होगा, जो स्वच्छता में अव्वल रैंक लाएंगे उनको 10,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा, जो सेकेंड आएंगे उनको 5,000 का, जो थर्ड आएंगे उनको 3,000 का इनाम दिया जाएगा। इनाम के साथ साथ एक बड़ी बात होगी कि हमारा पूरे नगर निगम में एक माहौल बनेगा स्वच्छता का, कि हमारा सबसे अच्छा पूजा पंडाल प्रथम स्थान आया, द्वितीय स्थान आया, तृतीय स्थान आया, तो ये काफ़ी अच्छी पहल है नगर निगम के द्वारा। अभी अपने महिला, हाँ अभी हमने आया वहाँ पे तो पता चला कि यहाँ पे निजी तौर पे दुर्गा मंदिर कमेटी के ट्रस्ट के तरफ से महिला समिति के द्वारा ये विद्यालय चलाने का काम हुआ हो रहा है, तो उसमें हमारी जो कुछ ये महिलाएं जो टीचर हैं वो उनका कहना था कि हम लोग निजी रूप से करते हैं, आप लोगों का सहयोग होता। हमारे उपनगर आयुक्त सर थे, माननीय महापौर थी, माननीय वार्ड पार्षद थे, इन लोगों ने बताया कि नहीं नगर निगम से इसमें नहीं दिया जा सकता है, तो हमने कहा कि हम निजी रूप से अपना फंड से इसमें टाइल्स लगाने का काम करेंगे, जो भी किया जा सकता है वो हम करेंगे उसके लिए। ऐसी ही खबरों के लिए करें C24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।